तूने 5000 देना नहीं देना, मैं छलांग मार दूंगा। आओ गाइस, ये हमने अपने चूजे ले लिए और देखो यार ये कितने प्यारे हैं। इन आमों को हमने इस इनक्यूबेटर में रखना। अस्सलाम वालेकुम गाइस, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब बेहतरीन होंगे। और आप देख रहे होंगे कि मैं अभी भी बाग में बैठा हूँ। पिछले ब्लॉग को हमने जहाँ पे एंड किया था वहीं से नया ब्लॉग शुरू कर रहे हैं। असल में आज फिर मैं इधर आया हूँ और उसी स्पॉट पे हम खड़े हैं। और शाजिल ने कहा था यार मुझे आम थोड़े कच्चे चाहिए, क्योंकि इसने ना अचार डालना है इसकी मामा ने, तो हम काफ़ी सारे आम कच्चे भी तोड़ के लेके जा रहे हैं यहाँ से। तो अभी हमने जाना है हुसैना के और शाजिल के काम। देखो चढ़ा कहाँ पे, बांदर बना हुआ है शाजिल। अरे तू क्या कर रहा है? तूने 5000 देना नहीं देना, मैं छलांग मार दूंगा। आओ देखो यार, ब्लैकमेल कर रहा मुझे, तू छलांग मार दे शाजिल। तो हमने यार इधर से आम लेने, और आम लेने के बाद ना हमने जाना है बाजार, क्योंकि हमने अपने चूजों की ना वैक्सीन लेके आनी है। वैक्सीन बिल्कुल खत्म हुई है। चढ़ाऊं क्योंकि मैंने सुना था क्या कि ऊपर जो आम लगे होते हैं वो ज्यादा मीठे होते हैं। तो अब तुम ऊपर मीठे आम तोड़ने पहुंचे हो? ऊपर जाता हूँ एंड तक। तुम पागल हो गए? नीचे आ जाओ, हड्डी पसली टूट जाएगी तुम्हारी। तुम्हारी अम्मा ने कहना मेरे बेटे को तुमने जाया कर दिया। पहले कैमरा बंद करो फिर आऊंगा। नहीं नहीं, तुम आओ तुम आओ तुम आओ तुम आओ, मैं सबको दिखाऊंगा तुम आओ। उतरते कैसे हो? पहले तुम बांदर की तरह चढ़ गए ऊपर, अब जरा देखो इंसानों की तरह उतरते हो, बांदरों की तरह उतरते हो। चुप कर है जी, आ गए शाजिल भाई नीचे। चले गाइस, अब हम निकलते हैं बाजार की तरफ और चूजों की लेके आते हैं वैक्सीन। चले आम तोड़ना, तोड़ो तोड़ो। ये वाला तोड़ लो, ये? हाँ ये वाला। गाइस हम ये वाला आम तोड़ने लगे हैं, कंपेयर करो साइज। ओ खुद ही टूट गया, वो उतावला हुआ था। सही है, टूटने के लिए लीक हो गया। चलो इसको इसको ना एक तरीका आज मैं गाइस आपको घर जाके बताऊंगा इसको पकाना कैसे। आपको ना मैं घर जाके बताऊंगा इस टूटे आम को हमने पकाना कैसे। अभी कच्चा है ना, ये पक जाएगा 2 दिन के बाद। तो ये देखे मैंने गोद के अंदर आम रख लिए हैं, अब चलते हैं जाके वैक्सीन लेके आते हैं। चलो मूसा भाई, चलो चलो यार। अभी हमारे इस डेरे को बनने में कम अज कम नहीं तो 5 से 6 महीने और लगेंगे, क्योंकि ये छोटा नहीं है। कम अज कम 4 कनाल या 5 कनाल का है ये, इसलिए इसको भी काफी टाइम लग जाएगा। तो गाइज आप ये देखिए हमारे ये रास्ते में कौन आ गया। मूसा भाई क्या चीज है? टटोली कहते हैं इसको, टटोली। इसको इंग्लिश में पता नहीं क्या कहते हैं भैया। मैंने तो सुना तितर मुर्गी शायद, ऐसा कुछ होता। ओ वाओ, होता होता। तो यार आप सब लोग पूछ रहे थे कि वेटनरी मेडिकल स्टोर कैसा होता है, तो यार इस तरह का होता है कुछ वेटनरी मेडिकल स्टोर। इधर से जो हम जो जो किस्म की दवाई बताते हैं ना आपको, वो सारी मिल जाएंगी। आप इधर आ सकते हैं और ले सकते हैं, ये हर शहर के अंदर होती हैं। मूसा भाई अंदर गए हैं दवाइयाँ लेने। मूसा भाई आज हम फिर चलते हैं। भी हमने रख लिए हैं, वैक्सीन भी हमने ले लिया है, अब हम जा रहे हैं घर। ये हमारे यहाँ का मशहूर व मारूफ घंटा घर, और ये सामने अभी हम आपको दिखाते हैं। मूसा भाई चला लो थोड़ी देर, गर्मी है। ये हमारा किला कितना प्यारा है गाइस। वो गाइस हम जा रहे थे, हमने वापसी गाड़ी दोबारा घुमा ली है, अब हम जा रहे हैं इधर, क्योंकि मैं हूँ यार थोड़ा सा शैतान टाइप। मुझे ये कबूतर नजर आए हैं, मैं क्या क्यों ना इनको जरा उड़ाया जाए। आगे करो आगे करो आगे। जंगली कबूतर है इधर, ये नाइया नहीं कर। मैं आज मूसा भाई इनको उड़ा के घर जाना। ओए फोकस नहीं कर रहे हैं मोबाइल, टीटू पार्टियां ला उड़ो। ये ऐसी तैसी उड़े हैं, उड़ गए हैं, मिशन सक्सेसफुल। तो गाइज हमने अपना शौक पूरा कर लिया है, ये उड़ भी गए हैं और वापसी भी आ गए हैं। सच्ची में ढीठ है, बस यार अब चलते हैं घर। लें जी गाइज घर आ गए हैं, वैक्सीन भी आ गई हैं, आमू आमू भी आ गए हैं। तो वैक्सीन को ना जरा मैं रीस्टॉक कर दूं, सारी साइनेस में डाल देता हूं जल्दी। आप कह रहे होगे मूसा भाई इतनी सारी वैक्सीन आप क्या करते हो यार, मेरे पास चूजा ही बहुत निकलता है भाई, मैं क्या करूं? ठंडा पानी पी मरूं, मैं क्या करूं? ठंडा पानी पी मरूं, मैं क्या करूं? ठंडा ठंडा। तो ना ले जी सारी की सारी वैक्सीन निकल गई, अब ज़रा इसको जल्दी से पैक करता हूँ और मैं इसको फ्रिज में रखता हूँ।
यार ये ना मेरा फिल्ट्रेशन प्लांट है, और फिल्ट्रेशन प्लांट कह रहा हूँ डिस्पेंसर है, और डिस्पेंसर के नीचे जो फ्रीज़र होता है ना उसके अंदर मैं ये रख देता हूँ। और ये देखो इसके अंदर ऑलरेडी आई बी प्रो भी पड़ी हुई है। साशा ना मेरे चाटू चाटू लगा रहे हैं इसके काम, देखो इसको ना चाटने का बड़ा शौक है। लें जी, वैक्सीन इज रीस्टॉक्ड। गाइस मूसा भाई तो अंदर बैठे हुए हैं, कोई इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, और 5:30 हो गए हैं, तो हमने जाना है अब चूजे लेने। ठीक है, वो बच्चा चिपका हुआ है इस पे। हेलो, बच्चा है इसके अंदर, मरा हुआ है। मगर अखबार, ये अखबार आ गया। अब ये अखबार इसके अंदर बिछाते हैं और उसके बाद चूजे लेने चलते हैं। ओ जी, तो अखबार मैंने इसके अंदर बिछा लिया, अब चलते हैं चूजे लेके आते हैं। आ तो भाई जान, बाइक भी माहौल में हुई हुई है, फुल धुलवा के पूरे 300 रुपए लगाए हैं इस पे, इसलिए आज इतनी सोहनी लग रही है। देखा, एक एक जगह से मिट्टी उतरी हुई है, एक एक जगह से आज इतनी सोहनी लग रही है ना, कोई हद नहीं। ये मूसा भाई की टटी बाइक, गंदी बाइक, देखना कितनी गंदी है, ये सारी गंदी की हुई है। और उधर देखो एक एक चीज साफ। लो साशु, क्या हाल है? ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हो मूसा भाई? तो गाइज नए चूजे जो आ रहे हैं उनके बर्तन मैंने अच्छी तरह साफ कर लिए हैं, बिल्कुल 0 मीटर बना दिए इनको, और इनका पिंजरा भी मैंने तैयार कर दिया। और आपको पिछले व्लॉग्स में नजर आया होगा कि मैं इस पिंजरे पे काम कर रहा था, इसके काबले भी मैंने नए लगाए हैं, और इसको टर्माइट्स लग गए थे, दीमक पड़ गई थी, तो उसका भी मैंने इलाज किया था। और साथ मैंने इसके अंदर अखबार भी बिछाया, और ये कम्प्लीट है। अब बस हमें अपने चूज़ों का इंतज़ार है, 6:30 बजे गाड़ी आनी है, तो वो हमने उधर से जाके रिसीव करने हैं। और अभी फ़िलहाल मैंने क्वैक क्वैक और चूजड़ी को छोड़ा हुआ है, और ये देखो मस्तियाँ कर रहे हैं। ये चूजड़ी के काम देखो, इसको डराता देखो कैसे है, पीछे पड़ जाता उसके। क्वैक क्वैक, इधर आ, क्वैकी इधर आओ, इधर इधर उधर, इधर 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 इधर, आ जा जा जाओ। ये देखो देखो काम, देखो काम, देखो काम, देखो इसके। ये देखिए जी, हमारा क्वैक क्वैक आ गया, क्वैक क्वैक। अरे चूजड़ी को देखो, चूजड़ी तुझे क्या मसला है, क्यों मारता उसको पिंजे बच्चे? तो गाइस अब हम जा रहे हैं चूजे लेने, क्योंकि हमारे चूचूज हैव अराइव्ड अब रस्ते में, और ये हमारा जिना पार्क है, और ये अब स्केलेटन रह गया पीछे, फ्लॉप हो चुका है ये पार्क। तो भाईजान ये आ गई है हमारे सामने गाड़ी, जिसके अंदर हमारे छोटे छोटे चूजे हैं, और ज़रा चलते हैं भाई को पेमेंट करवाएं और अपने चूजे लेके घर जाएं। गाइस ये हमने अपने चूजे ले लिए, और देखो यार ये कितने प्यारे हैं। एसी वाली बस में है, सारे सोए पड़े हैं, नजर नहीं आ रहा सही तरह। ये यार ये कितने प्यारे हैं यार। चलो मूसा भाई घर चलें और जल्दी जाके इनकी अनबॉक्सिंग करते हैं, आओ जल्दी। तो गाइस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे चूजे सेफ एंड साउंड पहुंच गए हैं, और आपको अब मैं दिखाता हूँ नजारे नजारे। ये देखें हमारे क्यूटी क्यूटी चूजूस, सारे के सारे सिल्वर सब ब्राइट के हैं, और मज़े से पानी पी रहे हैं, और मैंने इनका साइमोस्ट्रेस और टाइलोफर्सिन का पानी बनाया। तो यार ये अब बिल्कुल सेफ है, इनको मैंने फीड भी भर के दी है, काफ़ी एग्जॉस्टेड थे जर्नी की वजह से, तो अब ये खा पी रहे हैं, तो अब ये सेफ हैं। तो अब जो काम करना है ना हमने, वो काम ये है कि हमने जो ये आम आए हुए हैं ना, इनको, इन आमों को हमने इस इनक्यूबेटर में रखना, समझ रहे हो? और मैं इस इनक्यूबेटर के अंदर रख के इन आमों को पकाऊंगा। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, आमों को कौन इनक्यूबेटर में रखता है भैया। अच्छा, इन आमों को मैं पकाने का आपको तरीका बताऊंगा, ये अभी कच्चे हैं, ठीक है? तो इन कच्चे आमों को हमने पकाना है आज, ठीक है? और पकाने का तरीका मैं अभी बताता हूँ आपको। लेकिन इन आमों को इनक्यूबेट करने से पहले ना, मुझे इन चूजों की वैक्सीन करनी है, और मैंने ये वाले चूजे जो है ना वो इस पेन से निकाले हैं, क्योंकि इन चूज़ों की अभी वैक्सीन हुई नहीं हुई थी, और मैंने इनको हैचरी से ब्रूडर में ट्रांसफ़र कर दिया था। तो मुझे कैसे पता है कि इन दोनों तीनों चूज़ों की वैक्सीन नहीं हुई, क्योंकि इन तीनों के पाँव के ऊपर ये रेड नेल पॉलिश लगी हुई है। तो इनको भी इधर रखते हैं, और जिन फ्रेश चूज़े निकले उनको भी निकालते हैं और उनको ट्रांसफ़र करते हैं। और देखो माशाल्लाह माशाल्लाह, सो मैनी चूचास, सो मैनी चूचास, इन सबको इधर निकालते हैं और इधर ट्रांसफ़र करते हैं। तो चूजे मैं ट्रांसफ़र कर लिए हैं, लेकिन जब ट्रांसफ़र कर रहा था तो मेरी नज़र ना इस अंडे पे पड़ी, और ये देखो ये एक वाइट ऐसे वाइट सिल्की का चूज़ा, ये फंसा खड़ा है। तो इसको ज़रा हम ना अनबॉक्स करते हैं, या सी सेक्शन करके इसका दिखाता हूँ मैं आपको। चलें गाइस इसको जल्दी जल्दी ना निकालते हैं,
पहले मैं सिर्फ इसका शेल तोड़ूंगा, जल्दी जल्दी से ना इसको निकालना हमने। हाय जी, वेलकम टू दिस वर्ल्ड, वेलकम चू चू। और ले जी, आ गया चूजा बाहर। और ये सारे के सारे जो फारिक शेल है ना यार, ये मैं निकाल देता हूँ, जगह घेरी हुई है इन्होंने। नहीं जी गाइस, वन चूचू इज सेफ नाउ। अब यार इन सब की ना जल्दी जल्दी वैक्सीन कर लेते हैं और वैक्सीन बना के रखी है। और जिन लोगों ने देखनी है कि वैक्सीन किस तरह बनती है, क्या तरीका होता है, किस तरह की जाती है, क्यों की जाती है, तो वो यूट्यूब और फेसबुक दोनों पे मेरी वीडियो पिंड है, वो आप देख सकते हो। इनकी जल्दी जल्दी अब वैक्सीन करते हैं। इधर आओ भाई। और आपने एक आँख में करनी होती सिर्फ। नहीं जी, इसकी वैक्सीन होगी। नहीं जी गाइस, ऑल ऑफ आर चूजाज आर सेफ। अब इनको क्या करते हैं, ब्रूडर में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और मैं क्योंकि ज़्यादा एक एक करके नहीं निकाल सकता, तो मैं इनको ऐसे ही रख दूंगा बर्फ़ के नीचे। जाओ जी, जाओ 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 जाओ। ओके, जाए जी अपने नए घर, छोटे छोटे चूजाज। और नहीं जी, काम हो गया। अब ज़रा आते हैं आमों की तरफ। तो गाइस, शाजिल भाई आ गए। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने आमों को पकाना कैसे है। तो ये अखबार पड़ा है और हम हर आम को अखबार के अंदर लपेटेंगे। सबसे पहले डबल या सिंगल? सिंगल 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 लपेट दो। इसी तरह हम बाकी आमों को भी लपेट देंगे और ये जेब में डाल रहे हैं। इसको इधर रख दे। और ये देखें गाइस, सारे के सारे आम जो है हमारे, हमने अच्छी तरह इनको पैक कर दिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने इनको रखना कहाँ पे है। इंक्यूबेटर में ना रख देना यार, इधर नहीं रखना इनको, इंक्यूबेटर जैसी जगह पे रखेंगे। तो गाइस, हम अपने मेरे वाले रूम में आ गए हैं। और मेरे रूम के अंदर एक खासियत है, उधर जो है ना एक अदद स्टोर रूम है, तो हम इन आमों को स्टोर रूम में रखेंगे। और मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पे रखना है। साशू खा ली तो नहीं, साशू इधर आती नहीं कभी भी, तो हम इनको लेके आते हैं इधर। शाजिल पकड़ना। और हमने इनको क्या करना है, ये रज़ाइयाँ पड़ी हुई हैं सारी की सारी, इस रज़ाई के अंदर किसी भी रज़ाई के नीचे ऐसे घुसेड़ देना, और फिर हफ्ते के बाद देखना है रिजल्ट इसका। या तीन नहीं, तीन दिन के बाद हम देख लेंगे रिजल्ट इसका। तो तीन दिन के बाद यार हम इसका रिजल्ट देखेंगे और आपको मैं व्लॉग में बताऊंगा कि इसका रिजल्ट क्या आया। और ये जी आखिरी आम था, और ये जी इनका इंक्यूबेटर है। तो इस तरह आप कच्चे आमों को पका सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो यार लाइक कमेंट और शेयर लाजमी करिएगा। अगर ज़्यादा अच्छा लग जाए तो जनाब सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।